दोस्तों, अगर आपका लक्ष्य विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। हम आपके लिए लाए हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के दो कोर्सेज, जिसमें आपको 100 प्लस वीडियो के अलावा चैप्टर वाइज नोट्स, टेस्ट सीरीज और 5-6 के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। इसके लिए आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स को डाउनलोड करनी होगी। वहां पर आपको यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल आदि 250 से अधिक कोर्सेज मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप फ्री नोट्स डाउनलोड करना चाहें तो हमारे एप्लीकेशन के स्टडी मटेरियल में फ्री नोट्स डाउनलोड का भी ऑप्शन है। तो अब हम इस वीडियो में आप बच्चों से डिस्कस करेंगे बजट के टाइप्स के बारे में। तो बच्चों, कई तरीके के बजट के टाइप्स हैं जिनके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है कि बजट जो है वो बैलेंस है या अनबैलेंस्ड है। यानी कि बैलेंस, देखिए हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि गवर्नमेंट के पास कई सारे एक्सपेंडिचर करती है, कई सारे इनकम अर्न करती है। तो बैलेंस बजट तब कहलाता है जब गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड इनकम और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एक दूसरे के बराबर हो। यानी कि जब इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर हो उसको बोलेंगे बैलेंस बजट, और जब इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर ना हो तो उसको बोलेंगे अनबैलेंस बजट। तो ये सरप्लस में भी हो सकता है, ये डेफिशिट में भी हो सकता है। क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, उनके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में आप बच्चों को समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले बैलेंस बजट की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको समझाया कि जब एस्टिमेटेड इनकम और एस्टिमेटेड खर्चे के बराबर होती है तो इसका मतलब है कि जो बैलेंस है, जो बजट है वो बैलेंस होगा। देखिए, ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए बैलेंस बजट होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर हम इसके मेरिट की बात करें तो सबसे पहला इसका मेरिट ये होता है कि गवर्नमेंट जो है वो ऐसे कामों पर पैसा खर्च नहीं करती जो वेस्टफुल होते हैं। यानी कि गवर्नमेंट उन्हीं कामों पर पैसा खर्च करती है जो जरूरी होते हैं। दूसरा इसका फायदा यह है कि अब बैलेंस बजट इंप्लाइज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। यानी कि गवर्नमेंट जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको इंश्योर करने का काम करता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह है कि ये किसी भी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को दूर नहीं कर पाता, जहाँ खासतौर पर तब जब इकोनॉमी डिप्रेशन में फंसी हो। क्योंकि डिप्रेशन की स्थिति में हमारी एग्रीगेट डिमांड का लेवल बहुत कम होता है और पब्लिक एक्सपेंडिचर के द्वारा हम एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम बैलेंस बजट अपना रहे हैं, यानी कि जो हमने कमाया केवल हम उतना ही खर्च कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसको दूर नहीं कर पाती और इसकी वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो हो जाती है या बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाती है। यानी कि किसी भी देश की ग्रोथ के लिए जरूरी है कि जो इकोनॉमी है वो डेफिसिट बजट को अपनाए। तो बच्चों, अगर हम अनबैलेंस बजट की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर बराबर बराबर ना हो उसको बोलते हैं अनबैलेंस बजट। अनबैलेंस बजट के भी दो टाइप्स हो सकते हैं, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट। सरप्लस बजट तब होता है जब हमारा इनकम का जो लेवल है, रिसीप्ट्स जो है वो ज्यादा हो एक्सपेंडिचर से। यानी कि जब रिसीप्ट्स एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, जब एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स एक्सपेंडिचर से ज्यादा है तो उसके बोलते हैं हम एक तरीके से सरप्लस बजट। और बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि विश्व की शायद ही कोई इकोनॉमी सरप्लस बजट अपनाती होगी। मेरी जितनी जानकारी है उसमें सारी के सारी इकोनॉमी डेफिसिट बजट को ही अपनाती हैं, क्योंकि सरप्लस बजट की वजह से जो प्रॉब्लम है, क्या बोलते हैं, मतलब एक तरीके से जो इसका फायदा है, पहले हम फायदे पर डिस्कस कर लेते हैं कि अगर किसी देश में इन्फ्लेशन आ गया है या एक्सेस डिमांड आ गया है तो इसकी कंडीशन को ये दूर कर सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट के पास जो बहुत सारा रिवेन्यू कलेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से प्राइसेस में भी कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में जो मनी की सप्लाई है वो भी कम हो जाती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि अगर कोई इकोनॉमी रिसेशन की कंडीशन में फंसी हुई है तो एग्रीगेट डिमांड के लेवल को ये घटा देती है। देखिए, अगर मान लीजिए कोई इकोनॉमी में, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू भी समझा सकता हूँ इस बात को, कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट, ये मान लीजिए जीडीपी का लेवल है किसी इकोनॉमी का, मान लीजिए ये एग्रीगेट डिमांड का लेवल है, तो अगर गवर्नमेंट अपना और ये इनकम का लेवल है, मान लीजिए ये इनकम का लेवल है, तो गवर्नमेंट अगर सरप्लस बजट अपनाती है तो ऐसा देखने को मिला है कि सरप्लस बजट की वजह से एग्रीगेट डिमांड के लेवल में फॉल देखने को मिलेगा और इसकी वजह से जो हमारा जीडीपी का लेवल है वो भी कम हो जाएगा। यानी कि किसी भी इकोनॉमी के लिए सरप्लस बजट अपनाना कोई अच्छी बात नहीं है। हालांकि ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर को तो रोकती है लेकिन अर्थव्यवस्था को जीडीपी के लेवल को गिरा देती है, एम्प्लॉयमेंट के लेवल को गिरा देती है, कीमतों के लेवल को गिरा देती, प्राइस लेवल को गिरा देती है, और ये किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा इंडिकेटर तो नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा अगर हम बात करें बजट डेफिसिट के बारे में तो बजट डेफिसिट भी दो तरीके के, बजट डेफिसिट के बारे में तो बजट डेफिसिट तब कहलाता है जब रेवेन्यू कम होता है, यानी कि सरकार की कमाई कम है, खर्चे ज्यादा है। यानी कि 100 रुपये सरकार ने कमाए और खर्चे कर दिए 200 रुपये, तो इसको बजट डेफिसिट भी बोल सकते हो आप। इसको बजट डेफिसिट ही हुआ, डेफिसिट बजट हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में जो हमारा एक तरीके से आप कह सकते हो मेरिट क्या है कि ये डिफ्लेशन या डिफिशियंसी डिमांड को दूर करता है, डिप्रेशन की कंडीशन को दूर करने में सहायक है। लेकिन इसकी वजह से
बहुत सारी फिजूल खर्चियां होती हैं गवर्नमेंट की, और साथ ही साथ एक तरीके ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट कर देता है। तो बच्चों ये सारे के सारे मेरिट और डिमेरिट हमने पढ़े, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूं कि विश्व में मैक्सिमम या शायद सभी देश केवल और केवल डेफिसिट बजट को ही अपनाते हैं, क्योंकि डेफिसिट बजट के माध्यम से ही एक तरीके से ग्रोथ के लेवल को अचीव किया जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा ऐसा ना हो कि डेफिसिट बजट बहुत बड़ा हो, क्योंकि अगर बहुत बड़ा डेफिसिट बजट होगा तो इससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ जाएगा। इसीलिए भारत में एक तरीके से आप कह सकते हो कानून बनाया हुआ है जिसके अंतर्गत रिवेन्यू डेफिसिट की, फिस्कल डेफिसिट की एक लिमिट डिसाइड की गई है। उसके बारे में बच्चों हम आगे भी डिस्कस आप बच्चों से करेंगे, यानी कि भारत में जो कानून है जिसको 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 जिसमें जिसके बारे में हम आगे भी आपसे डिस्कस करेंगे। फिलहाल अब इस वीडियो में आपसे जो आगे के बजट के टाइप्स है उसके बारे में आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बजट के बारे में। तो बच्चों टाइप्स ऑफ बजट पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने आपको डेफिसिट बजट, सरप्लस बजट और बैलेंस बजट के बारे में बताया था। इस वाली वीडियो में हम इस बेस पे बता रहे हैं कि कौन कौन से उद्देश्यों के लिए, डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए कौन कौन से बजट बनाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो आज का टॉपिक है, उसमें हम आपको दो वीडियो में आपको समझाएंगे। इस वीडियो में तो हम आपको बच्चों ट्रेडिशनल बजट और परफॉर्मेंस बजट के बारे में समझा रहे हैं। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम आपको जीरो बेस्ड बजट, आउटकम बजट और जेंडर बजट के बारे में भी आपको समझा देंगे। तो बच्चों वीडियो शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हमने कई सारे कोर्सेज बनाए हुए हैं जो UPSC के लिए, इसके अलावा नेट के लिए, इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट UG PG के लिए भी बनाए हुए हैं, इसके अलावा जिस अलग अलग स्टेट्स के लिए हमने PGT के भी कोर्स बनाए हुए हैं। तो कई सारे कोर्स हैं जो आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जिसमें हम आपको बताते हैं ट्रेडिशनल बजट और परफॉर्मेंस बजट क्या होता है। देखिए आपने बजट के कई रूप देखे होंगे, जिससे जैसे मान लीजिए भारत में ही जो हमारे वित्त मंत्री हैं वो अपना ब्यौरा प्रेजेंट करते हैं। बजट क्या होता है, एक वित्तीय वर्ष में जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे और जितनी भी इनकम होगी उसका एक अनुमानित रिकॉर्ड है। यानी कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट जो है वो बजट प्रेजेंट कर रही है 2021 फरवरी में, तो इसका मतलब ये होता है कि 2021 अप्रैल में से लेकर और 2022 मार्च तक जितनी भी इनकम होगी और जितनी भी एक्सपेंडिचर होगी जो एक्सपेक्टेड है, उसके लिए गवर्नमेंट अपना एक प्रपोजल रखती है जिसको हम बोलते हैं बच्चों इसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल या जनरल बजट। तो बेसिकली जनरल बजट में क्या होता है, हमारे जो इनकम और एक्सपेंडिचर के डेटाज होते हैं जिसमें हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कितना खर्चा किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे कितना खर्चा किया, इसके अलावा सब्सिडीज पे आप कितना पैसा खर्च कर रहे हो, इसके अलावा इंटरेस्ट पे कितना पैसा खर्च कर रहे हो, इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट मदों पर जितना पैसा खर्च कर रहे हो उसी तरीके से आपने कितनी रेवेन्यू बोरिंग से की, कितनी रेवेन्यू इन्वेस्टमेंट से की, इन सब का ब्यौरा होता है। तो एक बार आप अपनी देखिए यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देखिएगा, ये हमने क्या किया 2021 का आपको एक बजट दिखा रहे हैं जिसमें कि गवर्नमेंट द्वारा किए गए इनकम और एक्सपेंडिचर का ब्यौरा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आप देखिए जो भी बातें हैं वो डेटा के थ्रू प्रेजेंट की जा रही है, यानी कि हमें ये बताया जा रहा है कि इतना खर्चा हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर किया, इतना पैसा हमने फिजिकल एक्सपेंडिचर पर खर्च किया। तो इस बजट को जिसमें हम बताते हैं कि हम किन किन मदों पर कितना कितना पैसा खर्च करेंगे और कौन कौन से तरीकों से कितना कितना पैसा आएगा, उसको हम बोलते हैं बच्चों ट्रेडिशनल बजट या हम बोलते हैं जनरल बजट। तो बेसिकली जो जनरल बजट है इसके अंदर हमारी इनकम का और एक्सपेंडिचर का, इनकम का और एक्सपेंडिचर का ब्यौरा होता है। तो बेसिकली इसमें हम ये कंसीडर नहीं करते कि इनकम और एक्सपेंडिचर पे खर्चा करने की वजह से इसका इंपैक्ट क्या हुआ, इसमें केवल यही लिखा जाता है कितना हमने खर्चा करना है 2021-22 के दौरान, ये बस हमें लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि रिजल्ट जो है, जो रिजल्ट क्या मिलेगा उसको कंसीडर नहीं किया जाता, ना उसको एक्सप्लेन किया जाता है कि क्या रिजल्ट मिलेगा। बेसिकली जो गवर्नमेंट है, देखिए हमारे यहाँ पे कुछ लेजिस्लेटिव कानून होते हैं, सरकार है, केंद्र सरकार है, हम केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार को भी अलग अलग मदों पे खर्चा करना पड़ता है अपनी कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बनाए रखने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए। तो इन सब के जो खर्चे उनका जो ब्यौरा है वो गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है परफॉर्मेंस बजट की, सॉरी ट्रेडिशनल या जनरल बजट के माध्यम से। अब देखिए इसके अंदर जो पास्ट ईयर का रेवेन्यू और कॉस्ट होता है उसको बड़ा कंसीडर किया जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूं, मान लीजिए 2020-21 का जो बजट था, ठीक है, उसमें मान लीजिए हेल्थ पे खर्चा किया गया मान लीजिए 100 करोड़ रुपए, सपोज कीजिए एग्जांपल के लिए ले रहे, और हमारी मान लीजिए जो डिफेंस है पे खर्चा किया 150 करोड़ रुपए। अब 2021-22 का बजट बनाने की बारी आएगी,
तो जब हम 2021-22 में जो खर्चा करेंगे उसमें हम हेल्थ सेक्टर में जो खर्चा किया गया है उसके बेस ईयर को कंसिडर करेंगे, यानी कि मान लीजिए 100 करोड़ है तो हम इसको 80 करोड़ तो नहीं कर सकते ना, या 50 करोड़ तो नहीं कर सकते ना, मतलब हमें इसको इसके बेस पर ही इसका कोई ना कोई अमाउंट हमें रखना पड़ेगा। तो इस तरीके का जो बजट होता है वो ट्रेडिशनल बजट का हिस्सा होता है। तो बच्चों परफॉर्मेंस बजट के बारे में बात करते हैं। देखिए ट्रेडिशनल बजट जो है वो खर्चा करने पर तो बेस्ड है, ठीक है, लेकिन वो वाई की वजह जानने की कोशिश नहीं करता, है ना। हाउ मच तो वो कंसिडर करता है, कितना खर्चा किया जाएगा, लेकिन खर्चा क्यों किया जाएगा, उसका इम्पैक्ट क्या है, उसके बारे में किसी भी तरीके की कंसिडरेशन इस वाले बजट में नहीं होती है। तो इसके लिए बच्चों जो हम बजट बनाते हैं उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बजट। परफॉर्मेंस बजट क्या होता है उसके बारे में आप बहुत ध्यान से समझिएगा, यानी कि परफॉर्मेंस बजट क्या होता है कि व्हेन द आउटकम ऑफ एनी एक्टिविटी इज टेकन टू बी बेस, यानी कि कितना आउटकम हुआ है उसको हमने बेस माना है, यानी कि जो हम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने क्या किया, 100 करोड़ रुपए खर्चे किए रोजगार जनरेट करने के लिए, तो 100 करोड़ से कितने लोगों को रोजगार मिला। जब हम अगली बार 100 करोड़ रुपए खर्च कर, अगले साल जब हम पैसे खर्च करेंगे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम पर, तो इस बात को भी कंसिडर किया जाएगा कि पिछले साल जो हमने 100 करोड़ रुपए खर्च किए थे उससे क्या आउटकम निकला। इसलिए इस तरीके के को बोलते हैं परफॉर्मेंस बजट, यानी कि व्हेन द आउटकम ऑफ एनी एक्टिविटी इज टेकन एज ए बेस ऑफ एनी बजट सच अ बजट इज नोन एज द परफॉर्मेंस बजट। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ये अमेरिका में हुआ था सर हूपर के उसमें उस अंडर में, जिसको 1949 में उसने रिकमेंडेशन दिया पहली बार कि यूएसए में परफॉर्मेंस बजट का यूज किया जाना चाहिए, ठीक है। तो परफॉर्मेंस बजट में क्या होता है, गवर्नमेंट को ये कंपल्सर होता है, कंपल्सर मतलब अनिवार्य होता है गवर्नमेंट के द्वारा ये बताना कि गवर्नमेंट व्हाट इज डन, क्या किया है, एंड हाउ मच डन, यानी कि कितना किया है, ये सारी की सारी बातें बताना होता है लोगों के भले के लिए। उसने जो खर्चा किया है वो कितना खर्चा किया है, क्यों खर्चा किया है, क्या रिजल्ट मिला है, पूरी की पूरी जानकारी जो है वो परफॉर्मेंस बजट के माध्यम से लोगों तक पहुंचानी पड़ती है। इस तरीके का जो बजट होता है उसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस बजट। इंडिया में इस परफॉर्मेंस बजट को आउटकम बजट के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों आउटकम बजट के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, साथ ही साथ आपको जेंडर बजटिंग के बारे में भी बताएंगे और आपको जीरो बेस बजट के बारे में भी जानकारी देंगे। तो बच्चों जीरो बेस बजट को हम सनसेट बजट भी कहते हैं, कई जगह इसको सनराइज बजट भी कहते हैं। तो बेसिकली देखिए जब हम बजट खर्च करते हैं, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारी स्कीम्स पे पैसा खर्च करती है, मान लीजिए डिफेंस पे खर्च किया, इसके अलावा चाइल्ड वेलफेयर पे खर्च किया, मान लीजिए फीमेल वेलफेयर पे खर्च किया, इसके अलावा गवर्नमेंट ग्रामीण विकास पे भी खर्चा करती है, रूरल डेवलपमेंट पे भी खर्चा कर रही है, एनर्जी सेक्टर पे भी खर्चा कर रही है, कई तरीके के खर्चे करती है। यानी कि मान लीजिए बजट बना रही है गवर्नमेंट 2021-22 का, जिसमें से बेस जो है 2019-20 का वो भी कंसिडर किया जाएगा, सॉरी जो 2021 का है वो कंसिडर किया जाएगा, यानी कि 2021 के खर्चे के बेस पर 2021-22 का बजट बनाया जाएगा। लेकिन जीरो बेस बजट में हम ये मान के चलते हैं कि जितने भी खर्चे हैं पिछले साल के उनको हम कंसिडर करेंगे ही नहीं, यानी कि हर खर्चे को जो भी हम अगले साल करेंगे उसको शुरुआत से ये बताना पड़ेगा कि क्या वो खर्चा जस्टिफाई है या नहीं है। मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गरीबी मिटाने के लिए बहुत सारे राशन कार्ड बांटे और उसमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको वो उन लोगों को भी बीपीएल राशन कार्ड मिल गया जो कि गरीबी रेखा में नहीं आते। मान लीजिए बहुत भ्रष्टाचार हुआ, बहुत सारी अनियमितताएं हुई जिनकी वजह से काफी सारे लोगों को राशन कार्ड मिल गया। अब गवर्नमेंट को मान लीजिए नई गवर्नमेंट आई जिसको पता है कि पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार किया और वो इसी बेस पर सरकार में आई है या कानून में आई है कि भाई पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार किया, तो अब वो बजट बनाएगी तो वो क्या कर सकती है, वो जीरो बेस बजट अपना सकती है। इसका मतलब वो कहेगी कि पिछले साल जितने भी राशन कार्ड बने, चाहे वो गरीब के बने हों, चाहे वो अमीर के बने हों, चाहे किसके भी बने हों, वो निल एंड वाइड हो गए, यानी कि पूरी तरीके से खत्म हो गए, यानी कि अब सरकार पूरी तरीके से नए बेस पर ही अपना राशन कार्ड बनाएगी और उसी के बेस पर अपना बजट एलोकेट करेगी। तो इस तरीके का जो प्रोविजन होता है उसको ही हम बोलते हैं जीरो बेस बजट, यानी कि जीरो बेस बजट के अंदर पिछले सालों में जो खर्चा किया गया है उसको हम कंसीडर ही नहीं करते, ठीक है। तो ये बेसिक इसका मतलब है। तो देखिए क्या क्या पॉइंट हमने लिखे हुए हैं यहां पे, एवरी एक्टिविटी इज डिसाइड ऑन द बेसिस जीरो बेस। जीरो का मतलब है पिछले साल जो खर्च किया गया है उसको हम जीरो मान लेते हैं, यानी कि हर एक्टिविटी को ये दोबारा से डिसाइड करना पड़ता है कि उस पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा और कितना पैसा खर्च नहीं किया जाएगा, उसका जस्टिफिकेशन दोबारा से ही देना पड़ता है। प्रीवियस एक्सपेंडिचर आर नॉट
आर नॉट कंसिडर, यानी कि पिछले सालों पे जो पैसा खर्च किया गया है उसको कंसिडर नहीं करते। देखिए ये वाला लाइन पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप बच्चों के लिए। द जीरो बेस बजट रिक्वायर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट टू जस्टिफाई ऑल प्रोजेक्ट एंड शो हाउ दे आर कनेक्टेड टू द गवर्नमेंट पॉलिसी। यानी कि इसमें जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, उनको ये बताना पड़ता है कि जो खर्चा किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, क्या वास्तव में गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है उससे उसका कोई रिलेशन है या नहीं है। अगर उसका रिलेशन है तब तो गवर्नमेंट बजट में उसको एलोकेट करेगी, और अगर रिलेशन नहीं है तो गवर्नमेंट उस बजट में एलोकेशन नहीं करेगी। मान लीजिए गवर्नमेंट ने बजट एलोकेट किया गया कि मान लीजिए यमुना रिवर के ऊपर हम हाई ब्रिज बनाएंगे, ठीक है, लेकिन पता चला कि दो बार तो पैसा खर्च किया गया लेकिन ब्रिज ही नहीं बना, तो गवर्नमेंट इस तरीके का प्रोविजन करेगी नहीं, यानी कि नेक्स्ट टाइम उसको पैसा देगी ही नहीं, है ना। जीरो बेस बजट इस तरीके का होता है, यानी कि उस पर कोई भी पैसा खर्च नहीं किया जाएगा अगर वो जस्टिफाई नहीं कर पाया तो, और इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया जाएगा और उस पर जीरो पैसा अलॉट किया जाएगा अगर ये जस्टिफिकेशन आप नहीं कर पाए कि क्यों उस पैसे उस बजट के लिए पैसा खर्च करना बहुत जरूरी है, ठीक है। पीटर प्रेयर जो है वो इसके फादर माने जाते हैं जीरो बेस बजट के, हालांकि उन्होंने बहुत ही छोटा स्मॉल बजट प्रेजेंट किया था। इसके बाद जो जो जिमी कैडर ये गवर्नर थे जॉर्जिया के, उन्होंने सबसे पहली बार जो जो यूएसए स्टेट का है जॉर्जिया, उसमें पहली बार इस सिस्टम का यूज किया जीरो बेस बजट का। इसके अलावा 1979 में अमेरिका का जो नेशनल बजट है उसने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया, और इंडिया में 1987 और 88 का जो बजट है वो जीरो बेस बजट ही है। तो यानी कि जीरो बेस बजट का मतलब गवर्नमेंट को इनिशियली ये हर डिपार्टमेंट को, हर एजेंसी को बताना पड़ता है कि खर्चा जो उनको मिल रहा है उसको वास्तव में क्यों दिया जाए, क्यों जरूरत है उसकी। इसके अलावा बच्चों आउटकम बजट की हम बात करते थे, देखिए परफॉर्मेंस बजट की तरह ही है। यहां पर क्या होता है, जो भी खर्चा किया जाता है उसको हमें एक तरीके से परफॉर्मेंस आउटकम क्या उसका परिणाम निकल रहा है उसको कंसिडरेशन किया जाता है। देखिए भारत में बहुत सारी स्कीम चलती हैं, जैसे मनरेगा है, नेशनल हेल्थ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, मिड डे मील योजना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण स्वरोजगार योजना है, और भी देखिए बहुत सारी योजनाएं हैं, मुद्रा योजना है, इसके अलावा और भी कई तरीके की योजनाएं जिनमें गवर्नमेंट क्या करती है बजट एलोकेट करती है, पैसा देती है। अब उस पैसे का वास्तव में क्या फायदा हो रहा है क्या नहीं फायदा हो रहा है इसको पता करना भाई बहुत मुश्किल काम है। देखिए सरकार ने क्या किया, मुद्रा योजना में लोन दिया, मान लीजिए सरकार ने करोड़ों रुपए का लोन दिया, लेकिन क्या वास्तव में उससे नया स्टार्टअप पैदा हो पाया, नई चीजें पैदा हुई, इसके लिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, एक तरीके की एजेंसी की जरूरत है, या आप कह सकते हैं एक सिस्टम की जरूरत है। तो इस तरीके के सिस्टम के लिए हमें आउटकम बजट की जरूरत पड़ती है, और कई बार क्या होता है इस तरीके की जो इंप्लीमेंटेशन होती है उसमें बहुत टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ जो स्कीम है वो बढ़ जाती है। तो इस कॉस्ट ऑफ स्कीम जो बढ़ रही है उसको रिड्यूस करने के लिए हमें आउटकम बजट की जरूरत महसूस हुई, और 2005 में इंडिया ने पहली बार आउटकम बजट प्रेजेंट किया, यानी कि आपको एक तरीके से ये जो है ये एक तरीके से पाथ फाइंडर का काम करता है आउटकम बजट, जिसमें जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, वो देखते हैं किस तरीके से जो प्रोग्राम है वो हेल्पफुल हो रहा है, किस तरीके से उसका आउटकम निकल रहा है, ये सब जांच करने का काम उनका ही रहता है, यानी कि एक तरीके से वही इस तरीके के आउटकम निकालते हैं किस तरीके का रहता है। तो बच्चों इसके अलावा एक और होता है जेंडर बजट। देखिए जेंडर बजट में क्या होता है, इसमें जो बजट है उसमें एक अलग से प्रोविजन किया जाता है कि कितना पैसा आप फीमेल और चाइल्ड वेलफेयर के कामों पे खर्चा करोगे, यानी कि जेंडर बजटिंग में गवर्नमेंट अपने बजट के अंदर ये प्रोविजन करती है कि जो पब्लिक जो फीमेल्स हैं उनके वेलफेयर के लिए क्या क्या पैसा खर्च किया जाएगा, कितना कितना अमाउंट उनको दिया जाएगा। तो ये वाला जो बजट है इसको हम कहते हैं जेंडर बजट। तो बच्चों इस तरीके से हमने समझा पूरा का पूरा जीरो बेस बजट के बारे में, आउटकम बजट के बारे में और जेंडर बजट के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेसिक कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही बच्चों, थैंक यू।